एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दहेज प्रथा को खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा एक बहू को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता डीआईजी कार्यालय डीआईजी विवेकानंद से अपनी गुहार लगाने पहुंची। मामला भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदी चक स्थित पटेल बाबू रोड की है, जहां अमित कुमार शाह की पत्नी मौसमी कुमारी ने अपनी ससुर देवर एवं अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। प्रीता मौसमी ने बताया कि अमित के साथ हमारी शादी 23 मार्च 2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई, पर घर वालों की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम विवाह रचाया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों के द्वारा 10 लाख दहेज लाने की डिमांड की जा रही है और ससुर के द्वारा गंदी गंदी गालियां और प्रताड़ना भी दिया जा रहा है। वहीं अमित की दूसरी शादी करने की बात भी की जा रही है। घर वालों की करतूत अमित को विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह मेरा साथ देने लगा, जिसके बाद हम दोनों दंपत्ति को घर से निकलने की बात कही जा रही है। मेरा नाम मौसम कुमारी हुआ, ये मेरे हस्बैंड हुए, हम लोग मार्च में शादी किए हैं, ठीक है। मेरे सास ससुर और चचेरा देवर बड़ा भसूर फोन पे बात कर करके सब हमको परेशान करते रहते, खाना मुँह पे फेंक देता है, बोलता है क्या दहेज लाओ तब मेरे बेटा के साथ रहना। ये पहले पैसा कमा कमा के सब दे देते थे, ठीक है, अभी अचानक हमको निकलने बोल रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, इन पे रंगदारी का केस दे दिया है क्योंकि इनका पुराना सिविल खराब है, इसीलिए हम लोग पास जहर खाने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा है। बोलता है इसको छोड़ दो, हमको ही छोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे बताइए सर। ये सब बात कौन बोल रहा है? हाँ, किसने कह रहा है ये सारा बात? मेरे ससुर के मेरे पति गलत नेचर है, ठीक है, हरि प्रसाद साह। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेल बाबू रोड। कब मिले थे इन चार कैसे आपसे? हम दिसंबर में मिले थे इनसे, इनके कॉम्प्लेक्स में हम जॉब करते थे। लव मैरिज शादी किए हैं। उनका कहना है कि अगर इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के बड़े बेटा का जो साली है उससे शादी कर लो तब तुमको हिस्सा देंगे। क्या लगता है दहेज नहीं देने के चलते ये मामला? हाँ, दहेज देने के चलते ही हो रहा है सर। 10 लाख हमसे डिमांड किया जा रहा, हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे? आपके पति मेरे बड़े भैसूर बोलते हैं तुम जॉब करो, पहले जैसे जॉब करती थी वैसे जॉब करो। आपके पति आपके साथ हैं? मेरे पति मेरे साथ हैं, लेकिन अभी वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा रहेगा सर तभी ना कुछ करेंगे। सब पैसा तो उन लोग को दे दिए। क्या काम करते थे? प्लॉटिंग का काम करते थे। हाँ, पटाला रोड में जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरे ससुर मॉर्गेज में इनका भी साइन लेके लोन पे दे दिए हैं, बड़े बेटे को 15 लाख रुपया। ये सिर्फ 3 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमको भी कुछ सहारा दो, हम भी कुछ बिजनेस करेंगे, तो उनका रंगदारी का केस कर दिया गया है। हाँ, किस थाना क्षेत्र का मामला? तिलका मांझी सर। हाँ, गए थे आप? हाँ, गए थे सर। क्या वहाँ पे कल वो लोग रूम खोजने के बाहर निकलता था, ठीक है, रूम खोजने के बाहर निकलता था और थाना जाता था, कचहरी जाता था, सब जगह कागज उगज दिया था। हम लोग को कल पता चला। थाना कहना यही हुआ, उन लोग को भी बोले थे कि एसपी डीएसपी के पास जाने से कोई फायदा नहीं, सब कागज मेरे पास ही आता है, हम देख लेंगे जो करना है। डीआईजी सर से मिले, क्या बोले कि हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ से कागज भेज रहे हैं।